अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक रियलिस्टिक क्लास बनाई थी जिसकी वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वो मैं लास्ट टाइम अपलोड कर दूँगा। और उसके बाद हमने बनाया था एनीथिंग रिएक्ट टू म्यूज़िक, अब वो वीडियो जाके देखें और फिर वैसे ही कुछ बना के ट्राई करें कि आपसे कैसा बन सकता है, या मुझसे बेहतर होगा या मुझ जैसा ही होगा, ये डिपेंड करता है आप पे। तो आज इस वीडियो में जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, हम ये पूरा इंटीरियर रूम के तौर पे यूज़ करेंगे। ये तो एक मेटावर्स ऑफिस वर्क रूम कह सकते हैं हम, तो हम इंटीरियर डिज़ाइन में इसको ऐड करेंगे और आज हम इसी को ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसमें शेप्स बहुत कम यूज़ करेंगे। शेप्स कम यूज़ करने के साथ साथ हम इसमें ऐसा इफेक्ट देंगे जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ ही रहा होगा। ये बहुत ही हाई टेक और मोस्ट डिटेल नहीं है लेकिन हाई टेक ज़रूर है। तो हम इसको कोशिश करेंगे एग्जैक्ट सेम ऐसा ही बनाएं और सेम यही सीन क्रिएट करें। तो मैंने एक पिक्चर यहाँ साइड पर भी रखी हुई ताकि मुझे रेफरेंस ईजीली मिले। मैं एक पिक्चर दिखाने के लिए यहाँ इसको व्यू बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ से देख के बनाऊँगा। इसको हम फिलहाल करते हैं डिलीट क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी एक पिक्चर है। तो हम एक पहले क्रिएट करते हैं एक रूम जो कि हमारा होगा क्यूब, उसके बाद हम उसका इंटीरियर ही डिज़ाइन करेंगे। क्यूब हम ऐड करके उसमें विंडोज़ वगैरह सब कुछ जो हमें नज़र आ रही हैं, टू थ्री साइडेड थ्री डायमेंशन हमें नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद हमने उसमें विंडोज़ ऐड करनी है और उसमें कुछ ट्रेवलिंग कुछ एक्सट्रूजन करनी है और बाहर इसके जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि सी है, सी नज़र आ रहा है और क्लियर स्काई है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेयर्स हैं कुछ, जिस तरह मीटिंग हॉल होता है टेबल है चेयर्स हैं, कुछ सीनरी लगी हुई ऊपर लाइट्स हैं, यहाँ पे रोशनी अंदर आ रही है और कुछ प्लांट्स वगैरह बोर्ड वगैरह, मतलब सब कुछ ऑफिस रूम बना हुआ है। हम जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्यूब ऐड करेंगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट ए ऐड अ क्यूब। ये मैंने इसमें रैंडमनेस कलर ऐड रखी है कि रैंडमली कलर जो हम ऑब्जेक्ट ऐड करें उसमें रैंडमली इफेक्ट हो। अच्छा, अब हमने इसको लेके आना है व्यू बोर्ड के ऊपर। जी जेड कंट्रोल दबा के व्यू बोर्ड के ऊपर ले आएंगे बिल्कुल यहाँ पर। अब हमने इसको जेड एक्सिस की बजाय बाकी पूरे एक्सिस में स्केल करना, एस शिफ्ट जेड। तो अभी इसको रखते हैं इतना और अब इसको शेप देखते हैं कुछ किस तरह का। अब हम इसके आते हैं एडिट मोड में और इसकी लेंथ कुछ कम कर देते हैं, एक्स वाई बिल्कुल इतनी। अब इसके एडिट मोड में आके दो फेसेस को हम कर देंगे डिलीट, ये दो फेसेस इनके हो गए डिलीट फेसेस। ओके, ये हमारे पास आ गए एक रूम, इसमें हम एक रूप कट ऐड करेंगे जो कि हमारे एक्सट्रूजन का काम करेगा। जहाँ पे ये सीनरी लगी है ये पूरी वॉल एक्सट्रूड हुई भी है, उसके दोनों साइड पे विंडोज हैं। विंडोज़ में कलर हम विंडोज़ के दरमियान में भी हल्का हल्का ब्राउन शेड है, वो बाद का काम, जब हम मटेरियल ऐड करेंगे तब का काम। तो इसमें हमने दो रू कट्स ऐड करने हैं, कंट्रोल आर और टू, बिल्कुल सेंटर में है तो हम इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं एस एंड एक्स, बिल्कुल हल्का सा स्केल करना और यहाँ पे बिल्कुल। और अब जो ये हमारा फेस आ गया इसको हम रूम के अंदर चल के देखेंगे। ये आपको जो इफेक्ट पड़ रहा है ये जो शेडो का, ये मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है स्टूडियो में, यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में ये देखें सही फुल शेडो नहीं आ रहा जिस तरह अर्थ में होता है शेड्स होती हैं वगैरह सब कुछ। तो हम अपने काम पे वापस आते हैं, इसको एक बार इंसर्ट करते हैं और
इंजर्ट करने के बाद या फिर एक्सट्रूड करते हैं सीधा सीधा, और एक्सरे मोड ऑन, ई एन अ लिटिल बिट आउटसाइड, इतना। अब हमारे पास ये आ गया थोड़ा सा फेस एक्सट्रूड। अब हम एक्सरे मोड ऑफ करते हैं, और पहले तो इसका ये शेड मुझे थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है, इसको बंद करते हैं। रैंडम मटेरियल भी करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है जो। हाँ अब ये कुछ सही लग रहा है, थोड़ी सी इसको और दे देते हैं, मैं सेटिंग कर लूँ। फिर हम इसमें बूलियन मॉडिफायर ऐड करके 4 क्यूब्स ऐड करेंगे जो हमारी विंडोज़ का काम करेंगे। ओके, तो मैंने इसकी छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर ली जहाँ पर भी ज़रूरत थी, और मैंने इसकी कैविटी भी ऑन कर ली ताकि हमें जो हमारे एजेस हैं वो क्लियरली नज़र आए ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमने क्या करना है, इसमें विंडोज़ ऐड करनी है। विंडोज़ ऐड करने के लिए हम एक क्यूब ऐड करेंगे, और फिर उसको डुप्लिकेट करके इधर फिर उधर, या फिर मिरर मॉडिफायर हम उसमें ऐड करेंगे। ये जहन में रहे कि ये हमारा जो मेन रूम है ये बिल्कुल वर्ल्ड के सेंटर में हो, बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट में, ओरिजिन पॉइंट इसका बिल्कुल मिडल में हो। तो हम एक क्यूब ऐड करेंगे यहाँ पे, ये तो बहुत ही बड़ा आ गया, इसको हम स्केल डाउन करते हैं बिल्कुल इतना। इसकी वाई एक्सिस पे लेंथ हम कुछ इतनी ही रहने देंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पे कुछ बढ़ा देंगे। इसकी लेंथ हमने थोड़ी सी बस बढ़ा देते हैं एक्स यहाँ पे, और जी इसको मूव करते हैं यहाँ पे। विंडोज़ बनाने से पहले हम इसको थोड़ी सी थिकनेस दे देते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म मॉडिफायर। ये कुछ भी डिफरेंट तरह बिहेव करेगा, इसको हम फिलहाल थोड़ा स्केल कर देते हैं जितनी हमारी विंडो की लेंथ है। जी एंड जेड बिल्कुल यहाँ पे, और एस एंड जेड बिल्कुल यहाँ पे, मतलब टॉप से और बॉटम से एक ही साइज होना चाहिए, मतलब लेंथ उसकी एक ही कितनी होनी चाहिए। ये हो गया, ये हमारा फ्रंट है, और ये हो गया हमारा बैक। इसको थोड़ा सा जी एक्स यहाँ ओके, इसको हम बाद में मिरर करते हैं, पहले इसको थोड़ी थिकनेस दे देते हैं। टॉप व्यू से अगर हम देखें एक्सरे मोड, और इसको हम थोड़ा अंदर कर देते हैं जी वाई बिल्कुल इतना, क्योंकि अभी हम इसको थिकनेस देने वाले हैं तो उसको थोड़ा अंदर तो होना चाहिए। इसमें सॉलिड फॉर्म मॉडिफायर ऐड किया, और इसकी थिकनेस अंदर की साइड थोड़ी रखेंगे। बिल्कुल 4 पे, हाँ बिल्कुल ओके। ये हमारी होगी इसकी थिकनेस। अब हम इस रूम को एक रूम कह सकते हैं, अब रूम कह सकते हैं हम इसके मैश के बाद में ठीक कर देंगे जहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी हो। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, अब इसका मैश हो गया है डबल। तो अब हमारी विंडोज़ इजीली थिकनेस लेवल वाली हो जाएगी ओके। हाँ फिर अब इसमें हम ये जो क्यूब हमारा है इसमें हम मिरर मॉडिफायर ऐड करते हैं, जिससे ये होगा कि उसके बराबर शेप, बराबर साइज पोजीशन पे दूसरी विंडो भी बन जाएगी। अब हम इसको शिफ्ट डी डुप्लीकेट करते हैं एक्स एक्सिस पे, ताकि डबल डबल जिस तरह पिक्चर में विंडोज हैं उसी तरह दूसरी विंडो भी बन जाए। शिफ्ट डी एक्स बिल्कुल, और थोड़ी सी इसके लेंथ रखेंगे, यानी दूसरी विंडो से थोड़ी विड्थ रख के बिल्कुल यहाँ पे इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं जी एक्स एंड दिस। अब हमारी ये विंडोज बन गई हैं। हाँ अब हम इसको अप्लाई करेंगे बूलियन मॉडिफायर, इसमें उससे पहले इसमें मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर लेते हैं कंट्रोल ए और
इसको भी कंट्रोल ए। ये अब मिरर मॉडिफाई दोनों ऐड अप्लाई हो गए हैं। अब ये दोनों एक ही मैच है। अब इसमें हम ऐड करते हैं बोलियन मॉडिफायर। बोलियन मॉडिफायर का एक टारगेट हम रखते हैं क्यूब 3 और डिफरेंस हम रखेंगे ताकि उसमें विंडो वाला सुराख हो जाए। फ्रंट व्यू से अगर देखा जाए इसको हम जी मूव करें या इसको सिर्फ मूव करें या ठीक है ठीक इसके दूसरी साइड आके अब ये हमारे पास छोटा सा रूम क्रिएट हो गया। मैंने दोनों में बूलियन एक इसी में बूलियन मॉडिफायर दो बार ऐड किया, उनके दोनों ऑब्जेक्ट्स को दो बार टारगेट रखा है जो हमने क्यूब ऐड किए थे। अब ये हमारे पास विंडो शेप्ड वॉल बन गई है। अब हम इसमें खुद से एक्सट्रूजन कर सकते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया लेकिन हमने जैसे इसमें बूलियन मॉडिफायर ऐड किया था और इसके सेलेक्टेड फेसेस खुद ही एक्टिव हो गए हैं। अब हम इनमें थोड़ी सी एक्सट्रूजन और स्केलिंग कर लेते हैं एक एक को पकड़ के। लेकिन उससे पहले एक ग्रुप को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक्स एक्सिस मिरर खुद ही ऑन कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर होगा कि फुली रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जब हम उसको एक्सट्रूड या फिल करते हैं तो वो उसके दूसरी साइड रिएक्ट नहीं करता। तो हम एक एक को खुद ही एक्सट्रूड और स्केल करके जिस तरह इस पिक्चर में है थोड़े थोड़े उसके फ्रेम बने हुए। यहाँ पे फ्रेम बने हुए हैं उनके बीच ग्लास है। अंदर वाली साइड पे ब्लैक हुआ है और बाहर वाली साइड पे वुडिश ब्राउन कलर है। तो हम वो क्रिएट करते हैं सब। इसको हम ए बार ई एंड एस एक्स या वाई कर लेते हैं। हल्का सा करेंगे तो साइड व्यू से इसको एस वाई थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं बिल्कुल इतना। ये मैं सब विंडोज को करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगता है लास्ट में आपके। ओके मैंने ये इसमें मिरर मॉडिफायर इसलिए ऐड किया था क्योंकि इसके जब मैं एक साइड पे बनाऊँ तो दूसरे साइड पे ऑटोमेटिकली बन जाए, इसलिए मैंने मिरर मॉडिफायर ऐड किया था ताकि मुझे डबल डबल काम ना करना पड़े, एक ही बार हो जाए सारा काम। तो मैंने सिर्फ ये दो विंडो फ्रेम के साथ बनाई हैं। फ्रेम मैंने इस तरह बनाया कि इसके कुछ एजेस पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया फिर उनको स्केलिंग वगैरह सब कुछ किया और उनको फिल कर दिया उनके अंदर वाले मैश को। फिल इसलिए किया क्योंकि वो विंडो का ग्लास जो बनेगा वो इसीलिए बनेगा। फिर विंडो का ग्लास फिर इसी तरह बनना था। और अब हमारा नेक्स्ट काम ये आ जाता है कि हमने इसके जो टेबल और चेयर बनाने हैं पहले तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि एक नीचे राउंड सी मशीन कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है जिसकी वजह से पूरा टच स्क्रीन जो हम कह सकते हैं टच पैनल फिजिकल डिस्प्ले है जिसे हम हाई टेक्नोलॉजी का नाम दे सकते हैं वो हमने बनाना है। नीचे से एक डिस्प्ले निकल रहा है फिर ऊपर टेबल बन रहा है और उसके ऊपर भी चार स्क्रीन्स बनी हुई हैं। तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम एक चेयर क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद सीनरी विद इसके जो प्लांट स्पॉट्स हैं प्लांट पॉट्स और फिर ये विंडो जहाँ से रोशनी आ रही फिर ये उसके ऊपर लाइट्स और सीनरी वगैरह सब कुछ है। उसके बाद ये चूज किया इसको हम डिलीट करते हैं। ओके अब हमने एक ऐड करना है सिलेंडर। ये जो आपको ये विंडो नजर आ रही है हम बाद में क्रिएट करेंगे क्योंकि लास्ट काम है लाइटिंग का। तो हम विंडो तब ही क्रिएट कर लेंगे जब अंदर का सारा काम खत्म हो जाएगा। तो अब हम एक ऐड करेंगे सिलेंडर। ये ऐड हो गया इसको हम पहले स्केल करते हैं बिल्कुल
इतना इसको अब जेड एक्सिस पे स्केल करते हैं, इतना इसको जी जेड करते हैं यहाँ पे, और टेबल शेप में इसको रखते हैं जितना हमारा टेबल हमें लगता है हो सकता है। ओके ओके अच्छा, इसको अगर फ्रंट से देखा जाए तो एस जेड इसको मजीद करते हैं, तो जी जेड इसको करते हैं इतना, एस जेड बिल्कुल इतना, यहाँ। अब इसका जो टॉप मैश है इसको हम करते हैं थोड़ा सा स्केल, बिल्कुल इतना। अब हम इसको करते हैं इंसर्ट और एक्सट्रूड इन, ये हमारा बन गया। इसको हम अब करते हैं शेप स्मूथ, ये शेप ऑटो स्मूथ ठीक है, क्योंकि उसमें सॉरी शार्पनेस भी है। अब जो आपको हमने जो इसमें करना है, पहले इसमें फोकस करते हैं, फिर इसके बाद जो काम करना होगा हम वो करेंगे। ओके अब जो इसका ये वाला मैश है, ये वाला डू, इसको हमने एक्सट्रूड करते हुए जाना है ऊपर, ई एंड जेड इसको करते हैं इतना, और करते हैं स्केल इतना। ये मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये असल में है टेबल, इसको पहले थोड़ा सा और स्केल करते हैं, और इसको ना कुछ वैसी शेप दे देंगे जैसे राउंडेड टेबल होता है। इसको पहले एस एंड एक्स, और इसको एस एंड वाई, बिल्कुल इस तरह। अब ये कुछ डिस्प्ले का काम करेगा, इसमें पहले हम एक लूप कट ऐड करेंगे कंट्रोल आर, दो लूप कट्स ऐड करते हैं, पहले इस लूप को पकड़ा, हल्का सा स्केल यहाँ पे, और अब इस वाले को हल्का सा स्केल यहाँ पे, थोड़ा सा बेवल, कंट्रोल भी जिसकी शॉर्टकट की है। अब हम इसके ऊपर वाले ग्रुप को करते हैं, ऊपर वाले मैश को, अब इसमें शेड स्मूथ करना पड़ेगा, ये क्या प्रॉब्लम है। ओके इसमें कोई लूप कट नहीं ऐड करने, बस ऐसे डाउन। तो ओके मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया है, मैंने इसको स्केल किया था जैसे मैंने दिखाया था कि स्केल किया था मैंने एक्स एक्सिस की तरफ, उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी एक्सट्रूजन अप की तरफ की, फिर सेंटर से फिलिंग की, तो अब ये काफ़ी अच्छा टेबल लग रहा है। अब हम इसमें फोकस ऑफ करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। इसको मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा कर देना चाहिए बिल्कुल इतना, और इसको जी एंड एक्स को रिमूव करते हैं थोड़ा यहाँ पे, बिल्कुल ये चीज़ मैं करना चाह रहा था। अभी ये तो बिल्कुल सीनरी के करीब हो गया जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया। नॉट दैट क्लोज, बट इसको सीनरी को थोड़ा करीब कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम जब चेयर बना लेंगे इसको हम तब साइड पे कर देंगे। अभी इतना हाथ से लग रहा है, लेकिन जब इसमें बिल्कुल क्लियर जिस तरह डिस्प्ले वाला कलर होगा, मटेरियल ऐड होगा उसका, तब हमें ये बिल्कुल सही असली डिस्प्ले टेबल लगेगा इसको। लेकिन फिर थोड़ा सा चीज वायर कर देते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कैसा लग रहा है। इसमें सर्डियन सर्फेस ऐड है इसलिए ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको करते हैं स्केल यहाँ पे, अब ठीक है। हाँ अब हम अपनी चेयर्स बनाना शुरू करते हैं, अपने काम को पहले करते हैं सेव, और अब अपने काम
अपनी चेयर्स बनाना शुरू करते हैं। चेयर बनाने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए होगा, फिर हमें उसको डिफरेंट तरफ मोड़ मोड़ के उस चेयर की शेप देनी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं और अपने काम पहले इसको करते हैं कंट्रोल एस, हो गया काम सेव। अब हम चेयर को बनाना शुरू करते हैं। चेयर के नीचे ना एक टॉरस है जिसके ऊपर वो हॉवर कर रही है, जिससे वो हाई टेक चेयर नज़र आती है। तो हम वो बनाना शुरू करते हैं, टॉरस हम बाद में ऐड करते हैं। तो पहले इन सब को करते हैं हाइड। अब हम एक ऐड करते हैं प्लेन, ये हो गया। अब इसको जी एम जेड की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा सा रोटेट करते हैं, बिल्कुल इतना। और अब जो बैक वाली साइड है इनको एक्सप्लोर करते हैं जेड की तरफ, बिल्कुल यहाँ। हम इसको बाद में स्मूथनेस दे देंगे, लेकिन अभी हम इसको रफ से शेप दे रही हैं। ई एंड एक्स बिल्कुल यहाँ पे, उसके बैक टू बिल्कुल साइज साथ ही रखेंगे, थोड़ा सा बस यहाँ पे, और थोड़ा सा जी एंड जेड नीचे की तरफ, और ई एक बार, जेड यहाँ, और जी एक्स एक बार यहाँ पे। अब जो ये हैं हमारे दो वर्टिसेस, अब हम इनको करते हैं कंट्रोल बी डबल, इसको थोड़े बढ़ा देते हैं सेगमेंट्स, लेकिन उससे पहले हम इसको एक रफ सी शेप देंगे, मतलब पूरी शेप सेट करके। फिर इसको बल सॉलिडिफाई मॉडिफाई देंगे, जी एक्स हल्का सा यहाँ, इसको थोड़ा सा जी एन सेट यहाँ, और बिल्कुल यही। अब हमने इसको सॉलिडिफाई देनी, फिर सब सरफेस। अब एक बार इसको स्मूथ करते हैं फ्रंट से, तो आर एस एंड वाई, बिल्कुल यहाँ पे। अब ये बहुत बेहतर हो गया। अब एक लूप पर हमने यहाँ देना कंट्रोल आर, एक यहाँ पे कंट्रोल आर, एक यहाँ पे कंट्रोल आर, एक नीचे, और इसको थोड़ी स्मूथनेस यहाँ पे दी, और हाँ बिल्कुल ठीक। अब हम साइड से देखें तो इस वाले पार्ट को हम पहले करते हैं थोड़ा सा डबल, इतने हमने सेगमेंट्स बढ़ा दिए। अब ये कुछ इस तरह की होगी, इसका लेवल भी बोर्ड रख देते हैं 3। अब इसको हम करते हैं शेड ऑटो स्मूथ या शेड स्मूथ ही कर देते हैं। अब हमने इसमें ऐड करना है सॉलिडिफाई, कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको फिलहाल शेड्स ऑटो स्मूथ ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑटो स्मूथ में ज़्यादा सीख आ गई, इसको थोड़ी सीखनेस देनी है, बिल्कुल यहाँ पे, या इसकी ऑपोजिट साइड भी दे देते हैं। ऑपोजिट साइड भी ठीक है, क्योंकि इसमें शेप अच्छी आ रही है, तो -0.05 ये ठीक है। अब इसको सॉलिडिफाई को ऊपर रख के देखते हैं, हाँ ये ज़्यादा बेटर है। ये हो गई अब शेड ऑटो स्मूथ और ये शेड स्मूथ।
परफेक्टली परफेक्ट चेयर बन गई। बस अब इसको थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा देनी है ऊपर की तरफ से, इसको थोड़ा कर देते हैं जी एंड जेड, जी एंड एक्स बिल्कुल यहाँ पे। वो एक मतलब लेवल थिकनेस इसकी कम या ज्यादा करके देखते हैं। वैसे मुझे ये वाला ही ज्यादा बेटर लगे क्योंकि सब डिजाइन सरफेस इसके ऊपर है। इसको -06 इतना, ये हो गया। अब हम इसका जो नीचे टोरस है वो क्रिएट करते हैं शेड ऑटो स्मूथ के साथ। परफेक्ट, ये हमारी परफेक्टली परफेक्ट चेयर बन गई और इसकी टोरस एक हॉवर चेयर बन गई। तो हम एक ऐड करते हैं मैश और ये बन गया हमारा टोरस। इसको हम इस किस साइज के मुताबिक रखते हैं, एक कंट्रोल जेड, एक बार और कंट्रोल जेड। अब दोबारा से हम ऐड करते हैं टोरस, उसकी विड्थ वगैरह में सब कुछ करना जा रहा था। इसको अब करते हैं फिफ्टी रख लेते हैं मैक्स, 50 माइनर सेगमेंट कितने ठीक है, माइनर रेडियस रखते हैं इधर, मेजर रेडियस भी इधर। इसको करते हैं 0.70, इसको करते हैं 0.15। अब हम इसको खुद से स्केल करेंगे इतना और इसमें भी ऐड कर देना है सब डिविजन सरफेस। अब इसको कर देते हैं शेड स्मूथ और ये बन गया हमारा अच्छा सा टोरस और हमारी बन गई हॉवर चेयर। इसको कर देते हैं जी जेड हल्का सा यहाँ, और इसको कर देते हैं बिल्कुल इसके बॉटम पे यहाँ। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा बन गया हमारा काम, काम बहुत इजी हो गया हमारा। तो इसको एक लेवल थिकनेस ज़्यादा ले देते हैं क्योंकि जब हम इसमें लाइट्स ऐड करेंगे क्या तब वो उस वक्त थोड़ी कम लगे, 7 या 8 ठीक रहेगी। ये ठीक है। ओके, अब हम इसमें सॉलिडिफाई अप्लाई करते हैं सॉलिडिफाई, और वो भी ऑब्जेक्ट मोड में ही सिर्फ अप्लाई होगा। कंट्रोल ए अप्लाई हो गया, अब इसका मैश डबल हो गया। अब जब हम इसमें मटेरियल ऐड कर चुकेंगे तब उसको हम सब डिवीजन अप्लाई करेंगे क्योंकि तब हमें मटेरियल ऐड करने में कोई डिफिकल्टी आ सकती है। अब ये हमारी एक चेयर बन गई, बाकी चेयर हमारी ऑटोमेटिकली बन गई। इसको करते हैं इसके बराबर जी एंड एक्स बिल्कुल शिफ्ट इसके बराबर यहाँ पे, थोड़ा सा जी एंड जेड इसको रखते हैं ऊपर। अब ये एक चेयर बन गई, इसको हम इसके साथ कंट्रोल जे कर देते हैं, कंट्रोल जेड इसको इसके साथ रखते हैं कंट्रोल जे। अब ये ठीक है, अब इसका कर्सर ले आते हैं सेंटर में, वो ओरिजिन ले आते हैं कर्सर में, पहले जी एंड सेट थोड़ा सा नीचे। अब ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये हमारी चेयर बन गया, हम सब सारी चीज़ें अनहाइड कर लेते हैं। इसको करते हैं स्केल डाउन कुछ इतना, और अपना सिलेंडर यानी टेबल इसको करते हैं जी मूव
अभी अपने रूम को 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं और अपनी चेयर्स को थोड़ा सा स्केल करते हैं। कुछ यहाँ पे मूव किया, यहाँ एक और इसके ऑपोजिट शिफ्ट बी एंटर, राइट क्लिक मिरर और एक्स एक्सिस ग्लोबल, इसको करते हैं बिटवीन जी एंड एक्स, एग्जैक्ट सेम जगह पे यहाँ पे आ। अब एक इसको शिफ्ट डी यहाँ पे करते हैं और जी मूव करते हैं इधर, और हाँ आर 90 बिल्कुल इसके साथ ही एक वो रखेंगे जी, बात वैसा कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा क्लोज, जी एक्स यहाँ, इसको जी एक्स यहाँ, इसको शिफ्ट डी एक्स यहाँ पे, इसको थोड़ा जी एक्स यहाँ पे, इन दोनों को करके जी वाई यहाँ। ओके हो गया। अभी हमारा छोटा सा ऑफिस हावर हाईटेक ऑफिस बन गया, मतलब सिर्फ कलर रह गया वगैरह सब कुछ। नाइस, अभी अभी से बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो उसके पीछे बोर्ड है वो हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम फ्लावर पॉट्स क्रिएट करेंगे और लास्ट में सीनरी और उसके बाद लास्ट में लाइट्स। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्केल अप करते हैं जी एन सेट का सुन ऊपर यहाँ, अब परफेक्ट है। पहले मुझे थोड़ा रूम छोटा छोटा सा लग रहा है, और इसको थोड़ा सा जी एन एक्स यहाँ गया मूव, और ओके उस बोर्ड पे कुछ है नहीं, लेकिन उसका जो मटेरियल है वही शाइनीस है, तो हम वो मटेरियल जब हम ऐड करेंगे तभी तभी की बात है। तो हम एक मैश प्लेन क्रिएट करते हैं, इसको ले आते हैं साइड पे, पहले आर 90 जी मूव किया यहाँ, रखना तो वैसे यहाँ ही है एस जेड, इसको रखते हैं इधर और एस वाई इतना। अब हम फ्रंट से देख सकते हैं, इसको करते हैं यहाँ यहाँ वो, तो ये मैंने वो साइड बोर्ड बना दिया है। और अब इसको हम जो हम लास्ट काम करना है वो है टेक्सचरिंग, वो हम सब चीज़ों को लास्ट में करेंगे। तो अब इसको फोकस ऑफ करते हैं और अपने ऑफिस में देखते हैं कैसा लग रहा है। ऑफिस मतलब कंप्लीट होता हुआ जा रहा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा जा और अच्छा लग रहा है अभी से ही। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। वो तो मैं आपके साथ ऐसी नई नई चीज़ें शेयर करूँगा जो आपने देखी भी नहीं होंगी और आपको अच्छी भी लगेगी। तो अब जो नेक्स्ट काम ये है हमारा फ्लावर पॉट्स का, तो हम उसको बनाना शुरू करते हैं। सिलेंडर से ही होगा, तो हम उसको पहले एक सिलेंडर से ही करते हैं, शिफ्ट इज एड अ सिलेंडर। ओके, तो हमने बनाना तो फ्लावर पॉट था, लेकिन मैंने अभी कैमरा सेटिंग कर ली थी हमारा कैमरा किस पोज में कैसा व्यू देगा। अभी तो हमारा इतना सीन क्रिएट हुआ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीन नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि जो अभी तक हमने मॉडल बनाया वो आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।